मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम क्या सीखे थे? नन्ही मेरी सुनवाई के बारे में सीखे थे कि वो क्या करना, नन्हे होकर भी हम देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयार है, ऐसे हम सीखे थे। चलो आप थोड़ा अलग सीखेंगे। इससे पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत चतुर पक्षियों के बारे में आपको पता है? कौन सी बोलो पक्षियों में? कौवा। ये क्या हुआ था? क्या करता था? बहुत तो उसे प्यास लगा था, उड़कर उड़कर प्यार पाने के लिए धीरे घूमते 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 बहुत दूर पहुँचा। कहाँ भी क्या पानी तो नहीं, वहाँ नीचे देखा एक छोटा सा गड़ा में, क्या होता गड़ा में पानी था, वो तो पीने नहीं आता था। तब क्या कहा, छोटे छोटे पत्थर उसमें भरकर ऊपर आने से पानी वो पीकर बहुत खुश हुआ। जैसे आज हो वैसे ही एक हवा बहुत से चतुराई से क्या किया देखेंगे। चलो नाम है लसन का नाम है कौवेने काई ककड़ी। कौवेने काई देखो तुम्हें और सुनो।
एक कौवा था, आम की डाल पर बैठा था। आम तो अभी पके नहीं थे, उसने नीचे देखा बच्चे कुछ खा रहे थे। बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां जैसे बच्चों के सामने आया था, देखा बच्चे तो खच्चर खच्चर ककड़ी खा रहे थे। कौवे ने सोचा मैं भी खाऊंगा ककड़ी। वहां कई खेत में थी ककड़ी की बेल। कौवा बोला खाऊं खाऊं, बेल बेल मुझे दे दो ककड़ी। बेल बोली दे दूंगी ककड़ी, पर तू खाएगा कैसे? तेरी चोंच तो गलती है ना, पहले अपनी चोंच धो ले। कौवा कुएं पर छा पहुंचा, बोला कुआं कुआं मुझे पानी दे दो, मैं धोऊंगा अपनी चोंच। कुएं ने कहा पानी तो मैं दे दूंगी, पर तू लेगा किसमें? जा कुंभा के पास, उसने उससे ले आ गड़ा। कुआ कुंभा के पास चल पड़ा। कुआ कुंभा के पास जाकर बोला कुंभार भाई मेरे लिए एक गड़ा बना दो, मैं उसमें लाऊंगा पानी, दूंगा चोंच, खाऊंगा ककड़ी। कुंभार बोला गड़ा तो मैं बना दूंगा, पर मिट्टी कहाँ है? तो धरती माँ से मिट्टी ले आ। कौवा पहुंचा धरती के पास, बोला माँ मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो, मिट्टी से बनेगा घड़ा, घड़े में लाऊंगा पानी, दूंगा चोंच, खाऊंगा ककड़ी। आपको समझ में? उसके सारे मीनिंग आपको बोलोगे, आपको ध्यान से सुना। देखो ये था कौवा, कौवा बहुत सारे था, पर ये कहानी में एक कौवा किस पर बैठे था? आम के डाल पर। कौवा मीनिंग आपको पता है ना? खाओ खाओ, एक पेड़ पर ट्री पर बैठा था। वो किस ट्री? आम के ट्री पर बैठा था, और डाल ब्रांचेस का था ना, उस पर बैठा था। आम तो अभी पके नहीं थे, पर सबको आम पके रहे थे। ये कौवे को कुछ एक आम भी पके नहीं तो मीन्स वो रिपी नहीं पाता, पके पक्व नहीं पाता, खाने के लिए वो तेज नहीं रहता, ना पकने से वो कड़वा रहता है, तो बहुत कट्टे रहता है। आपको वो खाने के लिए पसंद है, तो वो भी कौवे के लिए कुछ नहीं अच्छा नहीं रहता। वो पका नहीं था, उसने नीचे देखा, डाउन भर देखा, बच्चे चिल्ड्रंस क्या खा रहे थे? कुकुम्बर क्या कुछ खा रहे थे ना? क्या खा रहे थे? कुछ खा रहे थे, कुछ बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रंस को इकट्ठा होकर खा रहे थे। देखो ये ऊपर है, नीचे देखो बच्चे क्या खा रहे हैं? वो सोचा ये सारे बच्चे क्या खा रहे हैं? क्या वो खा रहे हैं? खाने के लिए थे, बहुत पसंद से खुश से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? वहाँ झट से नीचे बच्चों के सामने आ गया। ये क्या हुआ? कौवा को उड़कर बच्चों के सामने, फ्रेंड अब चिल्ड्रन के सामने आ गया। देखा एक बार कौवा, बच्चे तो खचर खचर ककड़ी खा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? ककड़ी मीन्स कोकोबर, खचर खचर। वो सोना तो मैं थोड़ा पानी से मैं खचर खचर सब बच्चे मिलकर खचर खचर ककड़ी खा रहे थे। क्या मकड़ी लो खा गया आता है तो मामे मर्द ले तो मामे मर्द ले तो
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಆರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಚ್ಚೆ ಕಚ್ಚ ಅಂತ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಕೊವೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊವೇನೆ ದಿಮಾಗಿ ಅವ ಕಕಡಿ ಕುಂಭ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಬಹುತ್ ಪಸಂದ ಹೇ ಅಲ್ಲ ಘರ್ ಕಕಡಿ ಓ ಮೈ ಕಕಡಿ ಖಾನಾ ಹೇ ಸ್ವಚ್ಛ ವಹಾ ಗಯಾ ಖೇತ್ ಮೇ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಖೇತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕ ಬಡಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಾ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಖೇತ್ ಮೇ ಗಯಾ ಬಹುತು ಖೇತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋ ಗಯಾ ಗಯಾ ಜಾಕರ್ ಖೇತ್ ಮೇ ಥೀ ಕಕಡಿ ಖೇತ್ ಭೇಲ್ ಓಫ್ ಥು ಪರ್ ಬಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಾ ಓ ಬಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಕಕಡಿ ಕ್ಯಾ ಕಕಡಿ ಕೆ ಭೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಭೇಲ್ ಥಾ ಕ್ರೀಪರ್ ಥಾ ಓ ಭೇಲ್ ಸೇ ಪೂಚಾ ಕ್ಯಾ ಕವಾ ಪೂಚಾ ಬೋಲಾ ಖಾಂ ಖಾಂ ಸೇ ದರ್ ಕವಾ ಖಾಂ ಖಾಂ ಬೇಲ್ ಬೇಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಕ್ರೀಪರ್ मुझे दे दो ककड़ी, give me only one cream. क्या ऑफर है? किससे पूछा? बेल से पूछा. बेल बोली, दे दूंगी ककड़ी, मैं आपको ककड़ी दे दूंगी. क्या दूंगी? ककड़ी आपको हुकूमत दूंगी, पर खाएगा कैसे? तू कैसे खाएगा? स्टेरो तेरी चोंच तो चोंच भी तेरी चोंच उसका मुंह कितना लंबा था चोंच चोंच भी किसे ताप के चोंच इतनी लंबी था इसके चोंच की कितनी लंबी था कैसे खाए तो तू कोकोबर को कोकोबर तो खाने को नहीं खाएगा तो तेरी चोंच तो इतनी लंबी और गंदी डर्टी है आपके चोंच डर्टी है बहुत गंदी हुआ है आपके चोंच में नहीं पाएगा पहले अपनी चोंच तो करा आपकी चोंच बहुत डर्टी है चोंच को वॉश करने का और तेरा चोंच बहुत डर्टी है तो समझ में आया कौवा और उड़ा किसके पास हुआ झापा कौवा कुएं पर जा पहुंचा क्या पहुंचा कुएं पर कुएं में मिल एक बड़ा बड़ा रहता उसमें पानी रहता वो मिल करते उसमें पहुंचा बोला खुआ हुआ मुझे पानी दे दो और मिल को जा पूछा मुझे पागे में पानी मुझे मैं दूंगा मेरी चोंच में बीक डटी है मैं दूंगा वो आश में भी प्लीज गिव मी वाटर बिल बोला कुबे ने कहा बिल बोला क्या पानी तो मैं दूंगी मैं तो पानी आपको दूंगी पर तू लेगा कैसे ते तो चोंच लंबी है इतने लंबी है डर्टी है पानी कैसे लेगा तो तू तू जाकर वो कुंभर के पास जा ये तो छोटा सा गड़ा पॉट लेके आ मैं उसमें पानी आपको दूंगी कौन बोला कुबे ने बोला आपको पानी मैं दूंगी मैं तेरे चोंच तो डरती है तू कैसे पानी लेके जाएगा मैं होगा एक कुंभा के पास कर वो वाटर के पास जा वाटर आपको एक पॉट बना कर देगा मैं उसमें पानी आपको दूंगी खोवा हवा करो उड़ा फ्लैट गो टू कुंभा फाटर के पास छिल पड़ा फाटर फाटर भैया फाटर भैया मुझे मेरे लिए एक गड़ा बना दो प्लीज एक ओ, मुझे एक गड़ा पार गिव मी प्लीज मेरे लिए गिव मी एक पार्ट टू तुम बना दो हाँ ये पार्ट तो मुझे दे दो मैं हाँ उसमें उस तो घड़ा में घड़ा घड़ा में मैं लाऊंगा पानी हाँ दो बच्चों काम वाक करके
ಗದ್ದೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಏನಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಏನು ಸೋಲ್ಸು ನಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುದ್ದಿ ಅದು ತುಂಬ ಗಲೀಜ ಇದೆ ತುಳ್ಕೊಂಬಾ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ತೊಳ್ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ನೀರಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಬಾವಿ ಅಂತೂ ನಾನು ನೀರು ಬಾವಿ ಬೇಯ ಬಾವಿ ಅಣ್ಣ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು ನನ್ನದು ಮೋತಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೇಳ್ತು ಬಾವಿ ಏನೇಳ್ತು ಈಗ ನಾನಂತೂ ನಿನಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ನೀರು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ನಿಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಉದ್ದ ಇದೆ ಚೌಂಚು ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇವನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಕುಂಬಾರ ಹತ್ರ ನೀನೊಂದು ಮಡಿಕೆ ತೊಗೊಂಬ ಮಡಿಕೆ ನೀನು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಕುಂಬಾರ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಕುಂಬಾರಣ್ಣ